हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, एंड वेलकम अगेन माय डियर डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर राजेश पटेल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है DKT डॉक्टर आशीष पटेल चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपको पता ही है, मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम दिया है A to Z डिजीज की सीरीज। मतलब हम हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं उन सब के बारे में हम बारी बारी से एक वीडियो में सारा कुछ अच्छे से समझते हैं। पहचान करने का तरीका, कारण, लक्षण, इलाज के साथ अंग्रेजी दवाओं में जो भी पॉसिबल इलाज दिया जाता है वो हम अच्छे से समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की जो मैंने टॉपिक में डिजीज को ली है वो है फेरेंजाइटिस, है ना, जो कि एक गले की बीमारी होती है। ठीक है, तो हम इससे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके यदि हम पहचान की बात करें या परिचय की बात करें कि आखिर में फेरेंजाइटिस होती कौन सी डिजीज है, तो देखिए, जो हमारी नाक है और मुंह है ना, ये हमारी नाक और मुंह के ठीक है पीछे, एवं श्वास नली जो हमारी होती है और भोजन की नली होती है उसके ऊपर साइड, है ना, जो हमारा मुंह है, नाक है, उसके पीछे, और जो श्वास नली है और जो भोजन की नली है उसके ऊपर होती है फेरिंग्स, वहीं पे स्वेलिंग का आ जाना या इन्फेक्शन हो जाना कहलाता है फेरेंजाइटिस डिजीज। ठीक है ना, ये एक गले की बीमारी है, गले में इधर प्रॉब्लम करती है। इधर हमने समझा है टॉन्सिलाइटिस, यहाँ होती है टॉन्सिल, जो फेरेंजाइटिस होती है वो पीछे होती है उसकी, श्वास नली के ऊपर, और जहाँ हमारा मुंह और नाक ज्वाइंट होता है इधर अंदर साइड उसके पास होती है। ठीक है ना, चलिए तो फेरेंजाइटिस यदि हम कारण की बात करें कि फेरेंजाइटिस के होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो इसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, वायरस में जैसे रोहिनो वायरस, हर्पीज जूस्टर वायरस और मीजल्स, कुछ ये वायरसेस होते हैं, इनकी वजह से ये इम्पेक्ट करता है। साथ ही यदि हम बैक्टीरिया की बात कर लें तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होता है इस बीमारी को क्रिएट करने में। ठीक है ना, यदि हम अन्य कारणों की बात कर लें तो अन्य कारणों में भी यदि आपके गले में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ ही यदि आपको एलर्जी हो जाए तो एलर्जी की वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए तो यदि हम इसके लक्षणों के बारे में बात करने की, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसके लक्षणों में चूंकि गले की प्रॉब्लम है, गले की बीमारी है, तो हमको निगलने में कठिनाइयाँ होगी, है ना, आप कुछ भी चीज़ को निगलेंगे तो कठिनाई होगी, इवन आप यदि पानी भी अंदर करेंगे तो उसमें भी दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगी, है ना, दर्द करेगा, निगलने में कठिनाई होगी, गले में दर्द होगा। साथ ही नाक बह सकती है आपकी, रोनी नोज हो सकती है। ठीक है, छींकें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आ सकती हैं, जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उनमें सूजन आ सकती है। ठीक है, लिम्फ नोडों में हमारे सूजन भी आ सकती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, यहाँ कान जो होते हैं हमने वहाँ भी दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, यही गले की जो सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी होती हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए तो यदि हम शॉर्ट में इलाज की बात कर लें, ट्रीटमेंट की बात कर लें कि डॉक्टर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्टली इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे अच्छा वर्क जो करती है टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, है ना, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की जो टेबलेट होती है उसको आप 3 दिनों तक दिन में एक बार दीजिए। ठीक है, इसके साथ एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल की जो टेबलेट होती है, जीरोडोल पी के नाम से आती है, तो आप वो दे सकते हैं 5 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए, सुबह शाम बीडी में। साथ ही लेवोसिट्रिजन 5 या 10 mg की रोज नाइट में दे सकते हैं 3 या 5 दिनों के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही एक इंजेक्शन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको, सेप्टिक जोन 1 ग्राम का, जिसमें सिपोट जो मोनोसेप के नाम से आता है वो आपको लगाना पड़ेगा, 1 ग्राम का मोनोसेप इंजेक्शन, जिसमें सेप्टिक जोन होता है 1 ग्राम, वो आपको दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। आप सीधे नस में लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेन करता है, तो आप सीधा सिरा मार्ग यानी नस में इसको लगा सकते हैं। इतने में कम्प्लीटली ट्रीटमेंट हो जाता है फेरेंजाइटिस का। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एक टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। टॉपिक बस ए टू जेड की सीरीज से रिलेटेड ही रहेगा, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की डिजीज कवर करते करते नीचे की डिजीजों को कवर करते हम चलते चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।